नमस्कार दोस्तों, आरा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल के बीज की सब्जी। बीज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम कटहल के बीज को बॉल करने के लिए रख देंगे और इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन हो गई है, अब इन्हें हम 2 से 3 सीटी आने तक बॉल होने देंगे। इसके बाद हम इसकी सब्जी बनाएंगे। 3 सीटी आ चुकी हैं, कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। अब ये देखिए बीज हमारे पक के तैयार है। हम बीज को चेक करेंगे। ये देखिए बीज हमारे पक गए हैं, अब इनको हम छील लेते हैं। हम बीज को छील लेंगे इस तरह। ये देखिए चाकू से हम छीलेंगे बीज को। इस तरह छीलते जाएंगे सब बीज को। इस तरह हम सभी बीज को छीलकर तैयार करेंगे और इसमें से 2 हिस्से कर देंगे इस तरह। ये देखिए बीच में से हम कट लगा देंगे। इस तरह हम सभी बीज को छील लेंगे। सभी बीज को हमने छील करके तैयार करके रख लिया है। ये देखिए इसमें से 2 हिस्से भी कर दिए हमने। अब चलिए इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बीज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कटहल के बीज लिए हैं, जिसे मैंने बॉल करके एक कटहल के बीज में से 2 भाग कर लिए हैं। ये देखिए आधा कप सरसों का ऑयल लिया है, 1 बड़ी साइज के प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिए है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 4 से 5 कली लहसुन के लिए जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 3 चम्मच हरा धनिया लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, साफ पानी से धो लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है जिसे मैंने कूट लिया है, आधा गिलास पानी लिया है, 2 लौंग लिए हैं, आधा छोटी चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। चलिए कटहल के बीज की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं, इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। ऑयल हमारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। ये देखिए सबसे पहले हम इसमें लौंग डालेंगे, जीरा डालेंगे। जीरे को हम भुनने देते हैं। ये देखिए जीरा हमारा भुन के तैयार है। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट डालेंगे। और ये लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अब इन तीनों चीजों को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन तो हमारा पहले से ही भून के तैयार हो गया है, हमें प्याज को और ब्राउन होने तक भूनना है। जब तक लहसुन प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है तब तक हम बीज के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और इसमें हम थोड़ा पानी डाल लेंगे। मसाले का हम घोल तैयार करेंगे। इस तरह ये देखिए लहसुन प्याज भी हमारा ब्राउन होके तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाले को हम धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं, इसको लगातार चलाते रहें।
मसाला हमारे बनके तैयार है। ये देखिए हमने इसको लगातार ही चलाया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब इसमें हम बीज डाल देंगे। बीज को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। एक मिनट हो गई है, हमने इनको एक मिनट लगातार चलाया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, ये आधा ग्लास पानी है। इसमें नमक डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, गैस का कलम लो रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम सब्जी को चेक करेंगे। ये देखिए इसमें से हमारा पानी बिल्कुल जल गया है, सब्जी हमारी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बीज हमारा गल गया है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको। कटहल की बीज की सब्जी हमारी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। आप प्लीज़ इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कटहल की बीज की सब्जी कैसी बनी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।